हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग के बारे में देख रहे थे। तो इसमें अभी तक 8 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। 8वां चैप्टर था आपका ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, ये आपका लास्ट चैप्टर है। शहरी क्षेत्र में आजीविका, याद रखिए आपके जितने भी एनसीईआरटी से संबंधित चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं वो सभी एनसीईआरटी किताबों का पूर्ण कवरेज नाम से लिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में डले हुए हैं। चलिए तो इसमें हम लोग बात करते हैं 9वें चैप्टर के बारे में। ठीक है, 8वां खत्म कर चुके हैं, 9वां देखना है। शहरी क्षेत्र में आजीविका, याद रखिए इसे एक कहानी की तरह सुनिए फिर चाहे पढ़िए। अगर पढ़ते हैं आप कहीं भी तो एक कहानी की तरह एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में। ठीक, एक दो बार सुनिए। आजीविका है मतलब अपने भरण पोषण के लिए आदमी कौन कौन से काम करते हैं, कहाँ से उनकी ज़िंदगी का वो सारा गुजारा बसारा होता है, उन्हीं सभी पर केंद्रित है। ठीक है, आजीविका का यही मतलब हुआ। शहरी क्षेत्र में, भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं, वो 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ के लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। ठीक है, सड़कों पर काम करना, देखिए एक फिर इस इमेज में दिखाया गया आपको। ठीक है, वही ये नाई है, ये आपका सफाई कर्मचारी है, ये दूध बेचने वाला है। ठीक है, या फूल वगैरह। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यह एक वह शहर है जिसमें मेरी जो लिख रहा है इनकी मौसी रहती, मौसी मौसेरी बहन रहती हैं। यहाँ गिनी चुनी बारी आई हैं ये। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब ये यहाँ आई हुई तो इनकी मौसेरी बहन इन्हें घुमाने के लिए ले गई। इन्हें तड़के के ही घर से निकली गई थी। जैसे ही यह मुख्य सड़क की तरफ मुड़ी इन्होंने देखा कि वह काफी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेड़ी पर टमाटर, गाजर, खीरे को सजाने में व्यस्त थे ताकि लोग देखें देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी, वहीं सुंदर रंगीन तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने इन्होंने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था, हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। याद रखिए, जैसे कि फूल बेचने वाली ये अपना आजीविका का चलाने के लिए, जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए ही तो फूल बेच रही है। ये अपना आजीविका कहीं से आमदनी तो कर रही है, इसे ही आजीविका कहते हैं। जैसे व्यक्ति अखबार क्यों बेच रहा है, अपना घर का खर्च पानी चलाने के लिए, इसे यही आजीविका है। ठीक, इसी पर कहते थे शहर का। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसा ठस भरे हुए था। पास के पेड़ के नीचे एक मौची छोटे से टिन में टिन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर रहा था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क में थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक बोतलें, डिब्बे वालों की पेन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह आ गई जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। इन्होंने देखा एक को बाजार जाने के लिए तय किया। एक बाजार वहां से 2 किलोमीटर दूर था। बच्चू माजी, एक रिक्शे वाला
ये बिहार के गांव से आया है, जहां मिस्त्री का काम करता था ये। इनकी बीवी और तीन बच्चे गांव में ही रहते हैं। इनके पास जमीन नहीं है, गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब ये शहर पहुंचा तो इन्होंने पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफी साल पहले की बात है। रोज सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता है और ग्राहक जहां भी जाना चाहते हैं उन्हें वहां छोड़ देता। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता। शहर की एक कॉलोनी में आस पास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक इसे 5 से 10 रुपये तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब ये काम नहीं करता है। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। ये अपने दोस्तों के साथ किराए में कमरे में रहता है। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोजाना 80 से 100 रुपये तक की कमाई हो जाती है, जिसमें से 50-60 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं, बाकी में परिवार के लिए बचा लेता है। साल में 2-3 बार ये अपने परिवार से मिलने गांव जाता है। जो पैसा शहर से भेजता है उससे परिवार उससे फर्ज जीता है इसका, ठीक है परिवार। कभी कभार इसकी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। अब याद रखिए, ये घर से बाहर डला क्यों है? अपने घर का भरण पोषण करने के लिए ही तो डला है, ठीक है, डला हुआ है। अपने बीवी बच्चों का खर्च पानी के लिए, ठीक। लोग अजीब का किस लिए ही, या मजदूरी के लिए है, या अपने घर का काम खर्च पानी चलाने के लिए ही लोग बाहर जाते हैं, ठीक। आगे बात कर रहे थे, बच्चू माझी की तरह शहर में कई लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज बेचते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हुए हैं। इसे क्या कहते हैं? स्वरोजगार, अपना रोजगार स्वयं का, उसका कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकान अस्थायी होती है, कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या खम्भों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है, कभी उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने की नहीं दिया जाता है। ठेले वाले जो चीज़ बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। हमारे देश में शहरी इलाके में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्था के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात और लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो जाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहर में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो। वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो उन मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। आप लोगों ने पहले देखा होगा गांव में बाजार लगते थे, है? पहले उनके लिए बाजार मंडी नहीं थी, वो एक जगह तय कर लेते थे, वहाँ अपना अपना लगाते रहते थे, ठीक है, कोई भी कहीं भी लगा लेते हैं। अब मंडी की व्यवस्था हो गई, सब्जी मंडियों की, तो अपनी तय जगह होने लगी है सबकी, ठीक। बाजार में जब ये बाजार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू ही हुई थी।
लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। इनकी मौसीरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था कि ये वहां पहले पहुंच गईं, जिससे इनकी बारी ना चली जाए। इन्हें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उनके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया, ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से ये सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई, क्योंकि ये कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी। हर मंजिल पर अलग अलग कपड़े थे। ये 3री मंजिल पर पहुंची, जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। बड़ी दुकान में हरप्रीत, पहले इनके पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। एतवार यानी कि रविवार, ठीक है, रविवार और त्योहारों के समय ये और इनकी माँ उनकी मदद करते थे। एक कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब ये पत्नी बन्ना और ये शोरूम चलाते हैं, ठीक है। बन्ना, कुछ साल पहले यह शोरूम खोला इन्होंने, ठीक है। ये ड्रेस डिजाइनर हैं। इन्होंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए कपड़े यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए ये ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कैसे रेडीमेड कपड़ों को आकर्षित रूप से सजा कर रखा जाए। ये अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों से जैसे गुड़गांव, नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम ये विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए ये कई चीज़ों करनी पड़ती हैं। इन्हें विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविजन व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर ये इसे जल्दी खरीद लेंगे। जब से यह बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया, तब से इनका व्यापार बहुत बढ़ गया। इन्होंने एक कार खरीद ली और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया। हरप्रीत और बंदना का की तरह कई लोग जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं, दुकानें छोटी बड़ी और लोग अलग अलग चीजें बेचते हैं। ज्यादातर व्यापारी अपनी दुकान और व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं, ठीक है। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम क्या है? नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं, जो कि बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देते हैं। अब देखते हैं फैक्ट्री। ये अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाने चाहती थी, जो इन्हें एक खास मौके पर पहनना था। ये बहन, इन्होंने अपनी बहन से कहा कि वह निर्मला को जानती है। जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है, निर्मला की पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। इन्होंने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। यह अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। इनकी बहन ने इन्हें एक कोने पर खड़ा कर दिया, ताकि भीड़ में इनका भुरता ना बन जाए। इन्हें हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफर करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे और इन्हें भी एक मोड़ पर उतर गई, ठीक है। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में पहाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तौल कर रहे थे। इनकी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक है कहलाता है,
ठीक है, जहां लेबर मिलती है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं, कुछ जहां भवन का रहे होते हैं, बन रहे होते हैं वहां मजदूर ही करते हैं, कुछ पुहजा ढोते हैं, ट्रकों से सामान उतारते हैं, कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम करते हैं, लेकिन यह हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। ये फैक्ट्री में घुसे तो इन्होंने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें से ऐसा लग रहा था कि लोग कभी ना खत्म होने वाली पंक्तियाँ थीं जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में इन्होंने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सी मशीनें, सारी मशीनें थीं, और जो कपड़े तैयार हो रहे थे कमरे में एक तरफ तह करके लगाए जा रहे थे। इन्होंने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पाया। वह इनकी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने वादा किया कि इनके कपड़ों पर जरी का काम करवा देंगे। निर्मला कपड़े का निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है, ठीक है, याद। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वह अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है इनका। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी हो जाता है तो उन्हें एतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 40 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं, निर्मला को भी निकाल देते हैं। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं होता है। निर्मला की तरह ज्यादातर कार्य अनियमित रूप से काम करने लगे हुए हैं, मतलब उनका काम मालिक उन पर तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत होती है। उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसम में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपना तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उसे बचाव के लिए कुछ नहीं होता है। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले हर करघों की यानी कि पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। दफ्तर में इनकी मौसी सुधा विपणन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने इन्हें शाम 5:30 से पहले दफ्तर पहुंचने को कहा। इन्होंने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिससे इन्हें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ बसों की पंक्तियों में की तरह। इनकी मौसी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती हैं। बिस्किट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। इनकी मौसी 50 विक्रेताओं और सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती हैं जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनके भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनकी मौसी शहर को 6 भागों में बांट दिया। वे हर हफ्ते 1 भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रपट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनके पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। इनकी मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है। वह बिस्किट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे होते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियां। एतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टियां मिलती हैं। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं।
परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं भी मिलती हैं, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी उनके परिवार के इलाज का खर्चा उठाती है। ठीक है, ये है कुछ ऑफिस की। ठीक है, महानगरों में कॉल सेंटर पर काम करने वाले, ठीक, उपभोक्ता टीवी फ्रिज जैसे सामानों को खरीदे, बैंक फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते, कॉल सेंटर के निकट दफ्तर हैं जहाँ एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं उनके जुड़े मामलों से संबंधित जानकारी दी जाती है। ठीक, देख रहे, अगर तबीयत इनकी खराब, स्थायी कर्मचारियों की अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तर फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है, वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं, उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिरी दिन खत्म हुआ और ये मौसी आखिर दिन खत्म हुआ इनकी मौसी कार में थकी मदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मजा आया इन्हें। इन्होंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह के काम करते हैं, भी कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और सहज जीवन को बनाए रखता है। तो ये था आपका चैप्टर शहरी क्षेत्र में आजीविकाएं। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कहीं कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई लोहार का, कोई नाई का, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, सब अपनी आजीविकाओं के साधन जुटाने के लिए लगे हुए हैं। ठीक, तो इसी में लगे हुए हैं कि शहरी क्षेत्रों में कैसे आदमी अपना गुजर बसर करता है, इसी पर पूरा केंद्रित है। अब आपको एक क्वेश्चन लगा लेना है। ठीक है, और याद रखिए कक्षा छठवी की जो आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक है, इसे हम टेलीग्राम पर डाल देंगे पूरी बुक्स को। ठीक है, पढ़ते रहना इसे।